गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अपना चैप्टर वही है आज भी, सेकंड चैप्टर नरसे नारायण। एक्सप्लेन हो गया था बेटा पूरा अपना चैप्टर जो है। आज हम क्वेश्चन आंसर और इसका ग्रामर पोर्शन देखेंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे, मैंने कल ऑब्जेक्टिव सेंड कर दिए थे ग्रुप में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक चले। आप अपनी पेंसिल रख लीजिए, आंसर लिखते जाइए बेटा। और कुछ क्वेश्चन जो हम नहीं लिख पाएंगे वो मैं फिर आपको PDF बना के भेज दूँगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, त्राही त्राही क्यों मची हुई थी? क्यों मची हुई थी? पानी नहीं आ रहा था तो त्राही त्राही मची हुई थी। तो पानी नहीं आ रहा था तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवर्षा की स्थिति में। ठीक, अवर्षा की स्थिति में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बच्चे क्यों प्रसन्न थे? क्यों प्रसन्न थे बच्चे? जो लेखक के घर के सामने जो पानी भर गया था तो बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे? कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। तो आंसर क्या लिखोगे आप? बच्चे घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर प्रसन्न हो रहे थे। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है, लेखक ने किन परिस्थितियों में स्वयं को नारायण कहा है? किन परिस्थितियों में? क्योंकि आप आंसर को पूरा सेट करके बनाएंगे बेटा, ना? लेखक ने किन परिस्थितियों में स्वयं को नारायण कहा है? क्योंकि नारायण का निवास स्थान कहाँ होता है? जल में होता है ना? जल, जल में होता है। अतः लेखक के घर के चारों ओर पानी भर जाने के कारण और नहीं भर जाने के कारण उन्होंने स्वयं को क्या कहा है? नारायण कहा है। क्लियर हो गए? तीनों को आप लिख लेंगे। लेखक ने स्वयं को अनंत का उपासक क्यों कहा है? ये हमने बेटा कहाँ पे देखे थे, याद कीजिए। जहाँ लेखक ने यह बताया था कि उनके घर के आसपास क्या नहीं थी? बाउंड्री वॉल नहीं थी, है ना? और तो बाउंड्री वॉल न होने के कारण सारा जो पानी है घर के भीतर आ गया था। वे कहते हैं कि और वो आता भी क्यों नहीं, जब वे स्वयं देश की सीमाओं को क्षुद्र समझते थे, है ना? तो देश की जब वो सीमाओं को क्षुद्र समझते थे तो घर के अपने आसपास बाउंड्री वॉल क्यों डलवाते? क्यों? कि वे तो अनंत के उपासक थे। इस आंसर को आप अभी छोड़ देना, थोड़ा सा लंबा है ये आंसर, मैं आपको ये लिख के भेज दूंगी। गॉट इट? नेक्स्ट, बाइबिल के किस आदर्श का उल्लेख यहाँ पर किया गया है? दानी, मीनिंग सॉरी ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, गुप्त दान की। ठीक है, एक दानी पर्सन व्यक्ति की बात की गई है। नाइग्रा फाल्सा किसे कहा गया है? ये आपका बिल्कुल IMP क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसे कहा गया है नाइग्रा फाल्सा? नाइग्रा फाल क्या है? नाइग्रा फाल एक जलप्रपात है। तो लेखक के घर के जो स्थिति बनी हुई थी, जो रोशनदानों से रिसता हुआ पानी जो घर के भीतर आ रहा था, तो उस रिसते हुए पानी ने किसका रूप ले लिया था? नाइग्रा फाल्स। तो इसके लिए आंसर क्या जाएगा बेटा? रोशनदानों से तहखाने में गिरते पानी को
नाइग्रा फाल्सा कहा गया है। क्लियर, ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं भेज दूंगी। क्लियर है बेटा, रोशनदानों से तहखाने में गिरते पानी को नाइग्रा फाल्सा कहा गया है। ठीक, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर 1। वर्षा न होने के कारण लेखक ने अपनी वेदना को किस प्रकार व्यक्त किया, अपने दुख को किस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया। तो ये हमने आपको एक आंसर बताए थे जब हमने पहला पैराग्राफ पढ़े थे, तो इसका आंसर अपने को यहीं पर मिलेगा। कि सबसे पहले तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वर्षा न होने के कारण लेखक ने अपनी वेदना को निम्न प्रकार से व्यक्त किया, डैश लगाएंगे, नंबर 1। पॉइंट में लिखेंगे आप आंसर, क्योंकि पॉइंट में जो है मार्किंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नंबर 1 पहले ही पैराग्राफ में देखना, मैं इसे बता दे रही हूँ, आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, ज्वार की पत्तियाँ ऐंठ ऐंठ कर बत्तियाँ बन गई थी, ये हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 नव उम्र के पौधे मुरझाने लगे थे, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना, हम कर देंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा, कि नव उम्र के पौधे मुरझाने लगे थे। नंबर 3 लेखक की गाढ़ी कमाई के 20 रुपए बर्बाद हो रहे थे। ठीक, 3 पॉइंट हो गया। नंबर 1 ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी, नंबर 2 नौ उम्र के पौधे मुरझाने लगे थे, नंबर 3 लेखक की गाढ़ी कमाई के 20 रुपए बर्बाद हो रहे थे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो इसे छोड़ देना बेटा। नेक्स्ट है, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, इसे भी मैं लिखा दूंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया था दिग्दाहों का मीनिंग क्या होता है, चारों दिशाओं में ने जब पानी के लिए जब त्राही त्राही मची हुई थी और लोग पुकार करने लगे थे, तो जब उनकी करुण पुकार ईश्वर के कानों में पड़ती है, जब ईश्वर उनकी उस करुण पुकार को सुनते हैं, तो उस समय जो स्थिति निर्मित होती है उसी स्थिति का यहाँ पे वर्णन है कि दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट से, कि दिग्दाहों मतलब चारों दिशाओं में, तो जब भनक जब उनके ईश्वर के कान में पड़ती हैं तो चारों ओर क्या होने लगता है, काले काले बादल जो है वो घर आने लगते हैं, मतलब चारों जो दिशाएं हैं वो श्यामल मतलब काले रंग की दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि बादल जो है वो घूमने लगते हैं, बादल बरसात वाले जो बादल है वो एकत्रित होने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये बरसात होने मैंने बारिश करने वाले बादल हैं या क्षितिज। क्षितिज मतलब एक काल्पनिक स्थान जहाँ से पर्वत और धरती जो है एक दूसरे को से मिलते हुए नजर आते हैं, तो वही है ये क्षितिज। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि ये जो काले काले जो बादल उमड़ रहे हैं ये वर्षा करने वाले बादल हैं या धरती से धरती में कुछ जल रहा है और उससे उठता हुआ धुआं है। ठीक है, धूम यानी धुआं, इसे भी मैं लिखाऊंगी। लेखक का आनंद आशंका में क्यों बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि स्थिति अब ऐसी यानी वो जो पानी था वो धीरे 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 उनके घर के भीतर आने लगा था, तो चूंकि लेखक के घर के पीछे जो 1 फुट पानी भर गया था और हमेशा ही ऐसा होता था, तो पानी अंदर आने की ऐसी कोई आशंका तो थी नहीं, लेकिन इस बार अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण पानी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उनके घर में प्रवेश करता है, तो जो लेखक का आनंद था, जो वो सौंदर्य के उपासक है, तो वो उनकी सौंदर्य उपासना जो है विचलित हो गई और वे जो है आशंका से ग्रसित हो गए। इसे भी मैं लिख दूंगी बेटा, मैं लिख कर भिजवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिजली चली गई तब लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बिजली चली गई थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, थोड़ा सा दिमाग में कुछ आ रहा है, ठीक है, एक साथ बिजली ठप हो गई, ठीक, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, याद आ रहा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, सर से सर टकराने की नौबत आ गई थी, चारों ओर लालटेन की पुकार होने लगी,
ठीक। अब उस लालटेन को जलाने के लिए दिया सलाई ढूंढी गई। दिया सलाई का भी मिलना उस समय ऐसा था जैसे कि ज्योति स्वरूप परमात्मा का मिलना। जैसे तैसे दिए माचिस मतलब दिया सलाई का इंतजाम हुआ, लेकिन लालटेन स्नेह सुनने निकली अर्थात उसमें तेल नहीं था। अब घर में एक टूटी फूटी टार्च जरूर थी, लेकिन उसे भी ढूंढने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, एक टार्च की जरूरत पड़ रही थी। तो ये वाला जो आइडिया है वो भी फ्लॉप हो गया। अंत में दीपक का आयोजन किया गया, दिए का आयोजन किया गया ना, तो दीपक जलाया गया। लेकिन अब उस दीपक को भी आंधी से बचना था, तो उसको बचाने की कोशिश की गई। तो हथेलियों से या आंचल से उसकी कहाँ तक रक्षा होती, तो वो भी बुझ गया। फिर क्या हुआ कि जो लेखक के जो पड़ोसी थे वे लेखक के जो नौकर थे वो पड़ोसी के घर गए, वहाँ से लालटेन लेकर आए, फिर प्रकाश की व्यवस्था हुई और सब लोग घर के भीतर बैठ गए। इतना पूरा इसका लॉन्ग आंसर आएगा, तो इसे भी मैं लिखा दूंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे बेटा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं वो चीज़ आपको सॉल्व करके दूंगी, बस आप अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की गई, ये हमने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़े थे। आप इसे लिख लेना है ना कि बाढ़ पीड़ितों की अन्न वस्त्र आदि देकर खूब सहायता की गई, शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई और उन शिक्षण संस्थानों में इन बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया गया और लेखक को जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। ठीक है, तो वो जो दोनों लाइन है उसे थोड़ा सा और इजी करके आप मेरी बात को रिपीट करके उसे देख लेना और इसे लिख लेना, क्लियर है। तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आप पहला और लास्ट वाला ये दो लिखेंगे, बाकी आपको मैं PDF भिजवाऊंगी, क्लियर। आगे बढ़े भाव पल्लवन में बेटा हम पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरा वाला जो है वो आपको मैं करवा दूंगी। दिया सलाई ज्योति स्वरूप परमात्मा बन गई है ना, चाहे तो आप इसे अपने मन से लिख भी सकते हैं कि दिया सलाई, क्योंकि उस समय दिया सलाई का मिलना, क्योंकि लेखक ने खुद कहा है कि उनके घर कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, तो दिया सलाई का मिलना बहुत कठिन था। और जी उन परिस्थितियों में भी जैसे दिया सलाई मिली तो उन्हें कैसा लगा कि जैसे कि मुझे स्वयं ईश्वर की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो ये भी मैं आपको भिजवा दूंगी। अब मेन अपना चालू होता है भाषा अनुशीलन। भाषा अनुशीलन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है बेटा। ये दो मार्क्स के आते हैं और एक मार्क्स का भी यदि छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ होता है और एट ए टाइम यदि हमें याद नहीं आता है तो हमारा जो 1 मार्क्स है वो माइनस हो जाता है, तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता है। तो भाषा अनुशीलन में अपना पहला क्वेश्चन है समास। ये मैं अभी आपको बस ऐसी इसे हम सॉल्व करते चलेंगे। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बेटा 11th में स्टेप बाय स्टेप समझा दी हूँ, लेकिन फिर भी यदि प्रॉब्लम जाएगी तो हम इसे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमें जिस प्रकार से दिया है हम उसी प्रकार से इसे लिखते जाएंगे। पहला दिया है मन मयूर। ये मैंने आपको समास में भी बताया था कि मन मयूर का जब हम समास जब हम अलंकार जब बना रहे थे तब मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था मन मयूर का, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चलेगा मन रूपी मयूर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक है ना, मन रूपी मयूर मतलब उनका जो मन था वो मयूर के समान नाचने को कर रहा था। ठीक, कौन सा समास होगा, ये कर्मधारय समास। ठीक, लिखते जाओगे आप इसे ना, श्रेय और ये प्रे, एक चीज श्रेय लेना, प्रे देना, देना और लेना, मतलब यहां क्या लग जाएगा बेटा, श्रेय और प्रे। और जहां पर भी और शब्द आता है वहां कौन सा समास होता है,
याद हो गया है आपको, रट गया है, द्वंद्व समास है ना। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दायां बायां, लाभ हानि, आना जाना, एक दूसरे के विपरीत। तीसरा है चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त क्या हो जाएगा इसका विग्रह? चिंता से ग्रस्त। अब से है ना, कौन सा समास हुआ याद आ रहा है ना? कारक विभक्ति चिन्ह, उसमें जितने भी विभक्ति चिन्ह थी वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष के अंतर्गत। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। क्लियर है? अब नेक्स्ट है नयनाभिराम। तो नयनाभिराम का विग्रह क्या हो जाएगा? नयनों के लिए अभिराम। यहां पर भी देखिए के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है। कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास। जल प्लावन जल का प्लावन, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। का शब्द का प्रयोग हुआ, कौन सा तत्पुरुष यदि पूछ लिया तो षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, सायंकाल, सायन का काल मतलब संध्या का समय, सायन का काल। यहाँ पे भी का विभक्ति लगी है तो तत्पुरुष समास, ये भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। जीव दया, जीवों पर दया। सुमन वर्षा, सुमन की वर्षा। जल बाधा, जल की बाधा। स्नेह शून्य, स्नेह से शून्य। ठीक है, लिख लेंगे आप ये सारे। क्या कौन से समास है बेटा? तत्पुरुष समास। ठीक है, बना लेंगे आप, मुझे पता है क्योंकि ये आप अब अच्छे से सीख गए हो बेटा इसको कैसे कैसे बनाना है। आगे देखिए अनेकार्थी। अनेकार्थी ठीक है, अनेकार्थी में क्या होगा? एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे पहला क्या दिया है अपने को? अंक। अंक के अनेक अर्थ में क्या जाएगा? एक गिनती। एक और अर्थ हमें ज्यादा से ज्यादा दो अर्थ लिखते हुए चलना है। गोद, गोद, गोद असल में ये आलिंगन होता है पर उसे हम गोद ही कहते हैं। ठीक है, इसके वाक्य हम कैसे बनाएंगे बेटा? जैसे कि हमें वाक्य बनाना, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। पहला अंक, आप यहाँ पे किस अर्थ को लेके चलेंगे? गिनती वाले अर्थ को लेके चलेंगे और इसका एक वाक्य बनाएंगे कि आज आज मैंने अंकों अंकों का सहारा लेकर कोई भी काम किया, आप अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, और दूसरा फिर से हम लिखेंगे अंक। अब हम किस, हाँ यहाँ एक चीज याद रखना है आपको, इस शब्द का प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। अर्थ जो है वो अपने आप लेके चलेगा। ठीक, दूसरे शब्द में गोद, राजा दशरथ ने बालक राम को अंक में भर लिया, अंक में भर लिया। अब यहाँ पे भी देखिए अंक शब्द का प्रयोग हुआ है, गिनती का नहीं। यहाँ पर अंक जो है अपने आप गोद मतलब आलिंगन अर्थ को लेकर चल रहा है। इस प्रकार से आपको ऐसे स्टेप बनाना है और इसे सॉल्व करना, ये आपको 2 मार्क्स का आता है। ठीक, नेक्स्ट है अर्थ। अब मैं आपको सिर्फ अर्थ बताऊंगी बेटा, अब आप वाक्य बना लेंगे है ना, कैसे बनाना है आप सीख गए हैं। अर्थ, अर्थ के दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो हो जाता है आशय, आशय या मतलब या व्याख्या, आप चाहे तो कुछ भी दे। दूसरा अर्थ वो जो आर्थिक से संबंधित होता है, पैसा। वाक्य बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, पहले आप
अर्थ लिखेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ मुझे समझ आया या मुझे समझ नहीं आया, या हमारी टीचर ने हमें प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ समझाया। फिर दूसरा अर्थ लिखेंगे तो आप इस अर्थ को लेके चलेंगे कि अर्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। अर्थ के बिना मतलब पैसे के बिना, ठीक है, जीवन संभव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है बेटा, उत्तर दिशा, ठीक, और एक होता है जवाब। किसी चीज का हम उत्तर देते हैं, वो जवाब। अब आपको फिर से वाक्य ऐसे ही बनाना है जैसे कि पहले आप बनाएंगे, हिमालय उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है नहीं लिखोगे ना, क्योंकि उत्तर खुद एक दिशा है, ठीक। हिमालय उत्तर में स्थित है। दूसरा आप जवाब के लिए बनाएंगे कि आज मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब जवाब दिया, है ना। तो अर्थ को लेके आपको नहीं लिखना है, आपको इस शब्द को लेके ही वाक्य बनाना है, वो अर्थ जो है अपने आप ले लेगा। क्लियर। नेक्स्ट गुरु। गुरु का अर्थ भी आपको पता है, गुरु एक होता है, गुरु का अर्थ बड़ा, और दूसरा होता है शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फल। एक हो जाएगा अपना खाद्य पदार्थ, खाने वाला जो फल है वो, और दूसरा क्या हो जाएगा, परिणाम वाला फल, ठीक। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म मीनिंग शब्दों का जोड़ा, है ना। जैसे कि पहला अपने को दिया है तन मन, ये है शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा, ठीक है। हमें ऐसा वाक्य बनाना है कि ये जो जोड़ा है अपने यानी इस जोड़े को लेके ही चलना है, आपको इसको तोड़ना नहीं है, या ऐसा भी नहीं लिखना है तन और मन, ऐसा कुछ नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसा लिखना है। जैसे कि मैंने तन मन से पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, मैंने तन मन से पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, ये जो शब्द है बिल्कुल जैसा का वैसा आपके वाक्य में आ जाएगा। क्लियर। आप बिल्कुल ऐसी बाकी बना लेना, विषय मैं नहीं बताऊंगी, स्रे प्रे हंसता खेलता टूटी फूटी बचा कुचा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही शब्द को उठाना है, ऐसे ही रखना है और वाक्य बनाना है। अगला है भिन्नार्थक। भिन्नार्थक क्या होते, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले, अलग अलग अर्थ देने वाले, ठीक, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले। जैसे कि पहला, अच्छा इसको पूरा वाक्य आपको कैसे बनाना है, पहला दिया है वात और बात। वात यानी क्या होता है, वायु, एक प्रकार का रोग भी है, ठीक, और बात यानी क्या होता है, बातचीत या संवाद। आपको वाक्य भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, आप पहले वात लिखेंगे, उसका वायु लिखेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे। बात का अर्थ लिखेंगे संवाद, उसके बाद इसका वाक्य बनाएंगे। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, इस शब्द को लेके वाक्य बनाना है, वो अर्थ अपने आप लेके चलेगा। इसमें भी आपको इस शब्द को लेके वाक्य बनाना है, अर्थ वो अपने आप लेके चलेगा। क्लियर है। ये भी आपको 2 मार्क्स में आते हैं, है ना। अगला है वन बन। वन बन, ये बनना एक प्रकार की क्रिया हो जाएगी बेटा, और वन यानी जंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप सुनते जाइए, हाँ, अपेक्षा और उपेक्षा, ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा का मीनिंग हो जाएगा आशा, उम्मीद करना, उपेक्षा का हो जाएगा अवहेलना करना, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनाओगे आप, अपेक्षा को लेके और उपेक्षा को लेके। क्लियर। फिर है चिंता और चिता, इसमें बिंदी का अर्थ है बस ना, बिंदी, अगर बिंदी लगी है तो चिंता और हटा दिए तो चिता। चिंता मतलब सोचना विचारना, और चिता मृत्यु शैया, लाश मत लिख देना, मृत्यु शैया, ठीक। नेक्स्ट है और का मीनिंग सिरा
या छोर, जिसे हम छोर भी कहते हैं, ठीक है। और यानी दूसरा, अन्य, ठीक। एक और जो आईएमपी क्वेश्चन है इसमें, तरणी, तरणी, इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है। कभी कभी ये इस रूप में भी आता है, अण की जगह न भी रहता है, तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। यहां पर सिर्फ हमने को मात्रा का अंतर है, यहां बड़ी की मात्रा है, यहां छोटी की मात्रा है, ठीक है। जहां बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ है नाव, जहां छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ है सूर्य। यदि आपको अर्थ याद रखने में कंफ्यूज हो रहा है, आपको पता है कि तरणी का अर्थ सूर्य भी होता है, नाव भी होता है, लेकिन आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएं कि किसका अर्थ नाव है, किसका अर्थ सूर्य है ना। मैंने आपको मात्रा से बताया है कि बड़ी की मात्रा है तो नाव, क्योंकि सूर्य दिखने में हमें छोटा लगता है, किसकी अपेक्षा, नाव की अपेक्षा। नाव का जो आकार है यहां सूर्य से बड़ा है, तो जहां बड़ी ई की मात्रा आई वहां पे नाव, छोटी ई की मात्रा, नाव से सूर्य जो है छोटा दिखाई देता है। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि छोटा होता है ना, दिखाई देता है, किसकी अपेक्षा, नाव की अपेक्षा। तो इसलिए जहां छोटी की मात्रा आएगी वहां पर सूर्य, इसे याद रखने का यही एक तरीका है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक सूत, ये मैंने आपको बता चुकी हूं बेटा, और ये सूत, इसका मीनिंग पुत्र था, इसका मीनिंग धागा था, ठीक। और एक है छात्र और छात्र, तो ये क्षत्रिय जो धर्म होता है उससे संबंधित, क्षत्रिय से संबंधित, और ये शिष्य। बना लेंगे आप सारे वाक्य, सारे अर्थ आप लिख लिए है ना। अब जल्दी से आप मुहावरे के अर्थ लिख लीजिए, मैं बोलते जा रही हूं, बस आप लिख लेना बेटा, और वाक्य आप बना लेना, और नहीं तो फिर हम बाद में तो इसे रिवाइज करेंगे ही। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट ईयर लिखवा चुकी हूँ, मुहावरे और लोकोक्ति में अर्थ लिखिए, है ना, उसे इस साल भी आप तैयार कर लेना, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जरूर आएगा। पहला है कान में भनक पड़ना, काम की बात सुनाई देना, ठीक, काम की बात सुनाई देना। दूसरा त्राही त्राही मचना, हाहाकार होना, हाहाकार होना। नेक्स्ट है दो चार आंसू बहाना, दुख प्रकट करना, क्लियर। नेक्स्ट है घर फूक तमाशा देखना, हानि उठाकर प्रसन्न होना, खुद की हानि उठाए और प्रसन्न होना, ठीक है, हानि उठाकर प्रसन्न होना। नेक्स्ट है भगीरथ प्रयत्न करना, अत्यधिक प्रयास करना, ठीक। ये भगीरथ प्रयत्न करना जो है ये आईएमपी है, इसे याद कर लेना, ठीक, अत्यधिक प्रयास करना। इसके बाद है लोकोक्ति। एक क्वेश्चन आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है कि लोकोक्ति और मुहावरे को हम कैसे पहचानेंगे, ये भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी यदि नहीं बनेगा तो आप मुझे बताना, मैं एक पूरा टॉपिक फिर से समझा दूंगी। यहाँ पर लोकोक्ति दी है बेटा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी इसका हमें अर्थ लिखना है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो क्या है, समय निकल जाने पर दुख प्रकट करने से कोई फायदा नहीं होता, समय निकल जाने पर दुख प्रकट करने से कोई फायदा नहीं होता। लोकोक्ति के जो अर्थ है वो बहुत बड़े होते हैं बेटा, ठीक है, और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसे जैसे के वैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और मुहावरे में क्या होता है कि उसका जो अंत के जो शब्द है, होना करना, तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि ये क्रिया होती है। नेक्स्ट है सिमटी सिमटी जल भर ही तालाबा, यानी थोड़ा थोड़ा जल एकत्रित होकर तालाब का रूप ले लेता है, ठीक है। लास्ट वाक्य परिवर्तित कीजिए, वाक्य परिवर्तन मैंने आपको ये भी बता चुका है 2 प्रकार से, एक रचना के आधार पर और एक किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पर। कितने भेद होते हैं वाक्य के,
याद कीजिए, जल्दी से बताइए मुझे। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, चाहे आपको ये पूछे चाहे आपको ये पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्थान भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के खालिस्थान भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्या बताए थे हमने, अ से क्या होता है बेटा, आठ, ठीक, अ से आठ, मतलब अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के। रचना एक दो तीन, रचना के आधार पर तीन। अब ये तीन कौन कौन से हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त, और ये आठ बहुत लंबी सी लिस्ट है इसकी, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है कि वाक्यों को परिवर्तित करना है निर्देशानुसार, जैसा उसने पूछा है बोला है बिल्कुल वैसे ही परिवर्तित करना है, ये पूरा अपना चैप्टर के अनुसार है। पहला, बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा कर खुश हो रहे थे, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, और या फिर तथा, परंतु, इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं दो वाक्यों के बीच में। तो हमें यहाँ पे इस एक वाक्य को ऐसे बनाना है कि ये इनमें से कोई भी शब्द लेके चले और दो अर्थ वहां पर शो करे, दिखाए। जैसे कि बना के देखिए, बच्चे घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे, ठीक है, बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे और, ये आ गया अपना, और खुश हो रहे थे, हो गए दो वाक्य, ठीक। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे, पूर्ण विराम नहीं लगाना है आपको, और खुश हो रहे थे, क्लियर। सेकंड देखिए, मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। यहाँ पे ये जो है मिश्र वाक्य के रूप में दिया है, देखो बीच में कॉमा लगा हुआ है ना, हमें इसे किस रूप में बनाना है, सरल वाक्य में बनाना है। और सरल वाक्य में हम कैसे बनाएंगे, किसी भी कंजेक्शन का प्रयोग वहां पे नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कॉमा नहीं लगेगा, एक वाक्य चालू होगा और वो खत्म होगा। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसा कई बार होने के कारण, ठीक है, कोई कॉमा आप नहीं लगाएंगे, सरल वाक्य में हम बना रहे हैं, ऐसा कई बार होने के कारण मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही, ठीक। लास्ट देखो, सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा, मिश्र वाक्य बनाना है। क्या होता है मिश्र वाक्य में, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, दो उपवाक्य होते हैं इसमें, यानी दो वाक्य से मिलकर मिश्र वाक्य, मिश्र का अर्थ ही होता है, मिश्र मतलब जोड़ लेना, मिश्रित, मिला देना, ठीक है। हम इसे कैसे बनाएंगे, सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। अब यहाँ पे देखो, व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा कैसे बनाएंगे, सुबह उठकर जल प्लावन का जो दृश्य देखा, सुबह उठकर जल प्लावन का जो दृश्य देखा वह कैसा था, व्यापक एवं भयंकर था। ऐसा ना बना के एक दूसरा तरीका है, जो सुबह उठकर जल प्लावन का दृश्य देखा कॉमा वह व्यापक एवं भयंकर था, क्लियर। ये हो गया आपका चैप्टर एंड, आप पूरा कॉपी में लिख लेना, मैं बाकी क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आप लिखते जाइए, उसे तैयार करते जाइए, और मैं एक दिन टेस्ट लूंगी, एक टेस्ट पेपर आपको भेजूंगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है, थैंक यू बेटा।